दोस्तों आज के इस पार्ट में हम लोग 1100 VA इन्वर्टर के सर्किट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि इसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाए तो कैसे आप लोग इसको फाइंड आउट करोगे। और आज का ये वीडियो विश्वास मानिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ज़्यादातर फॉल्ट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि अभी वॉइस ओवर नहीं है, वॉइस ओवर में हम लोग थोड़ा शांत जगह पे जा कर के वॉइस ओवर कर लेते हैं, इसीलिए वॉइस काफ़ी क्लियर आता है। तो अभी हम लोग शॉप में ये वीडियो डायरेक्ट बना रहे हैं, इसमें कोई वॉइस ओवर नहीं है। सबसे पहले आप लोग देखिए कि ये जो इन्वर्टर का सर्किट है ये इजीली अवेलेबल हो जाता है और 800 VA 1100 VA वाले इन्वर्टर्स में इसका यूज़ हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें कैसे हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा पार्ट ख़राब है, तो सबसे पहले कनेक्शंस के बारे में समझ लीजिए कि कहाँ पे हमें कौन सा वायर कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे पिन कनेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये फ़ैन के लिए कनेक्टर दिया गया है, जहाँ पे पीसीबी पे आप देख सकते हैं कि फ़ैन लिखा हुआ रहता है। वैसे ये ऑन ऑफ के लिए ऑन ऑफ स्विच में ये वाला कनेक्टर यूज़ किया जाता है और ये आपका एलईडी पैनल में चला जाता है जो कि इजीली समझ में आ जाता है। उसके बाद में देखिए मेन कनेक्शंस हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रू होल है, यहाँ पे आपका बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा जो कि काफ़ी मोटा वाला वायर होता है जो यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। बैटरी के पॉजिटिव वायर की बात की जाए तो ये आपका यहाँ पे कनेक्ट होता है, इस वाले कनेक्टर से ये कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका बैटरी का पॉजिटिव वायर कनेक्ट होता है। नेगेटिव तो यहाँ से हमें मिल जाता है और जो पॉजिटिव है वो हमें यहाँ से मिल जाता है, तभी तो हमारा पीसीबी चलेगा। उसके बाद में देखिए अभी हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि फॉल्ट कहाँ से है, तो ये सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये किस टाइप का फॉल्ट है। मान के चलिए कि वो चार्जिंग सर्किट का कोई फॉल्ट है, इन्वर्टर आपका यूपीएस मोड में सही चलता है लेकिन बैटरीज चार्ज नहीं हो पाती है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसका चार्जिंग सर्किट कौन सा है, ये कैसे काम करता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो थायरिस्टर्स हैं, इसको हम लोग SSR भी कहते हैं या फिर ट्रैक भी कह सकते हैं, ट्रैक अलग रहते हैं, थायरिस्टर अलग अलग रहते हैं। बहुत सारे इन्वर्टर किट में आप देखोगे तो ट्रैक का भी यूज़ किया जाता है। फिर देखिए इन ट्रैक को ड्राइव करने के लिए इन ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है जो कि काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी पे चलता है और ये हो सकता है कि 10, 20 या फिर 100 किलोहर्ट्ज पे भी ऑपरेट होता हो। उसके बाद देखिए इस ट्रांसफार्मर को कंट्रोल करने के लिए या ड्राइव करने के लिए यहाँ पे एक IC है जिसका नंबर है TCNL100। ये बहुत ही कॉमन ट्रांजिस्टर है और इस ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने के लिए ये 555 टाइमर IC है। इस टाइमर IC के हेल्प से हम लोग इस ट्रांजिस्टर को ड्राइव करते हैं, ये ट्रांजिस्टर इस ट्रांसफार्मर को ड्राइव करता है, ये ट्रांसफार्मर इनको ड्राइव करता है, लेकिन इस IC को सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर प्रोवाइड करवाता है, यानी माइक्रो कंट्रोलर इसको सिग्नल देगा तभी हमारा चार्जिंग सर्किट ओके होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये बात करेंगे कि कौन से पिन से जो कनेक्शन है वो इस IC के अंदर जाता है, तो ये हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम लोग बेसिकली समझ लेते हैं कि कैसे काम होता है। उसके बाद देखिए अगर आपका चार्जिंग सर्किट ओके है, UPS ऑन नहीं होता है, तो सबसे पहले आपको ऑन ऑफ स्विच को देखना है कि आपका ऑन ऑफ स्विच सही है या नहीं, माइक्रो कंट्रोलर सही है या नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक 7805 वोल्टेज रेगुलेटर का यूज़ किया गया है जो कि 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है और ये 5 वोल्ट इस माइक्रो कंट्रोलर को चाहिए, तो आप ये कंफर्म कीजिए कि आपका ये वोल्टेज रेगुलेटर बिल्कुल सही है। कभी कभी हो सकता है कि छोटा मोटा प्रॉब्लम है, जैसे आपका फ़ैन नहीं चलता है, तो फ़ैन क्यों नहीं चलता है सबसे पहले हमें ये समझना है। ये वाला ट्रांजिस्टर फ़ैन को चलाता है, यानी कि ये ट्रांजिस्टर रिस्पॉन्सिबल है फ़ैन को चलाने के लिए। फिर उसके बाद देखिए अभी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि बैटरी का जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है वो यहाँ पे कनेक्ट होता है और यहाँ पे एक फ्यूज़ दिया गया है, इन फ्यूज़ के हेल्प से जो माइनस वाला सप्लाई है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। देखिए यहाँ से आप देखोगे कि कुछ रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4 रेसिस्टर का यूज़ किया गया है, 4 रेसिस्टर से हम लोगों का सप्लाई यहाँ पे आ जाता है और MOSFET के सोर्स पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखिए MOSFET का जो थर्ड वाला पिन है यहाँ पे ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इन रेसिस्टर का यूज़ क्यों किया गया, MOSFET को तो डायरेक्ट सप्लाई दिया ही जा सकता था, यहाँ पे तो फ्यूज लगा हुआ है, अगर जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो फ्यूज जल जाएगा, लेकिन ये रेसिस्टर का यूज़ क्यों किया गया है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए
यहाँ पे आप ट्रेस करेंगे तो आपको दो कनेक्शंस मिलते हैं। देखिए यहाँ पे एक कनेक्शन है और एक कनेक्शन यहाँ पे है, दो कनेक्शन आप लोग देख सकते हो। एक जो ये वाला कनेक्शन है वो आप देखोगे कि फ्यूज के यानी रेजिस्टर के फर्स्ट साइड में कनेक्ट होता है, और जो सेकंड वाला कनेक्शन है वो रेजिस्टर के सेकंड साइड में कनेक्ट होता है, और ये डायरेक्ट इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी में चला आता है जिसका वैल्यू है LM358, और ये एक डुअल चैनल ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी है। ये करंट को सेंस करता है, मतलब आपका इन्वर्टर बैटरी से कितने एम्प्स का करंट ले रहा है वो इस रेजिस्टर के हेल्प से वोल्टेज ड्रॉप होता है। मतलब अगर करंट का फ्लो होगा तो आपको भी पता है कि किसी भी वायर या रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, और इसी वोल्टेज ड्रॉप को ये सेंस करता है और माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल प्रोवाइड कराता है। तो मे भी हो सकता है कि कभी आपको ओवरलोड का साइन आता है तो आप इसको ज़रूर चेक कीजिएगा, हो सकता है कि फॉल्ट यहाँ से भी हो, क्योंकि ये आपका ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज़ किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे कि टेम्परेचर सेंसर दिया गया है, कभी कभी कोई एरर साइन आता है तो यहाँ पे आप देखिए टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, जो कि आप बहुत सारे इन्वर्टर सर्किट में इस टाइप का भी हो सकता है, या फिर हो सके आपका आपके इन्वर्टर में ऐसा लगा हुआ हो। तो यहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसर दिया हुआ है जो कि इन्वर्टर के कार्ड का टेम्परेचर को मॉनिटर करता है, और अगर ये टेम्परेचर पीसीबी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से ये टेम्परेचर सेंस होता है और हमारा फ़ैन स्टार्ट हो जाता है। तो ये टेम्परेचर सेंसर इन दोनों ट्रांजिस्टर्स के हेल्प से डायरेक्ट आपके माइक्रो कंट्रोलर के साथ में कनेक्ट है, यानी टेम्परेचर तो सेंस यहाँ से हो गया, अभी ये माइक्रो कंट्रोलर इस ट्रांजिस्टर को सिग्नल देगा तभी ये फ़ैन जो है आपका ऑन हो जाएगा। अगर यहाँ से कोई ओवर टेम्परेचर डिटेक्ट होता है तो उस कंडीशन में आपका पूरा पीसीबी शट डाउन हो जाएगा। तो कभी कभी हो सकता है कि इसके अंदर भी कोई फेलियर आ जाए, आपका टेम्परेचर सेंसर डैमेज हो जाए। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे कुछ टेम्परेचर सेंसर्स है मेरे पास में, ये 101 यानी 100 ओम का है। उसी तरह से हो सकता है कि आपके इन्वर्टर में कुछ ऐसा सेंसर लगा हुआ हो, इससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। मल्टीमीटर में आपको सेट करना है ओम रेंज, देखिए 200 ओम वाला रेंज हमने सेट किया है, अभी मल्टीमीटर में देखिए 200 ओम्स का जो रेंज है वो सेट किया हुआ है। अभी हम लोग टेम्परेचर सेंसर को लगाएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको एक रीडिंग आता है, और जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग हाथ से टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि रेजिस्टेंस कम होता चला जाता है। तो ऐसे ही ये टेम्परेचर सेंसर्स काम करते हैं और ये काफ़ी सिंपल होता है। उसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं कि ड्राइव कैसे काम करता है, यानी मॉस्फेट का जो ड्राइव है वो कैसे काम करता है। अगर आपका ड्राइव सिग्नल नहीं आता है तो आपका इन्वर्टर या यूपीएस मोड ऑन नहीं होगा। ड्राइव सिग्नल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पार्ट्स होते हैं वो देखिए, ये वाला ट्रांजिस्टर्स हो गया, ये ट्रांजिस्टर BC547 है जो कि एक NPN ट्रांजिस्टर है। उसके बाद में कुछ जीनर डायोड, कुछ रेसिस्टर्स दिए हुए हैं ताकि मॉस्फेट के गेट को प्रोटेक्ट किया जा सके। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे भी कुछ ट्रांजिस्टर्स दिए हुए हैं, इनका भी काम होता है गेट को ड्राइव करने का। तो अगर आपका मॉस्फेट कभी फट जाता है या ख़राब हो जाता है तो आप इन सभी को ज़रूर चेंज कीजिएगा, चाहे ये ठीक हो उसके बावजूद भी आपको चेंज कर देना है। अगर आप सेकंड साइड में देखोगे तो आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, देखिए यहाँ पे भी मॉस्फेट के गेट को ड्राइव करने के लिए सेम कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो गेट को ड्राइव करने के लिए दो ट्रांजिस्टर्स दिए गए हैं, तो इन सभी को आप चेंज कीजिएगा अगर कभी गेट के साथ में कोई फॉल्ट आता है। मॉस्फेट को प्रोटेक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे एक और डायोड दिया गया है, इससे आपका मॉस्फेट जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। यहाँ पे भी आप देखोगे कि इस चैनल में भी आपको एक मॉस्फेट मिलेगा, ये भी मॉस्फेट के गेट को मॉस्फेट को प्रोटेक्ट करता है। तो इसको भी आप चेक कर लीजिए क्योंकि कभी कभी ये भी शॉर्ट हो जाते हैं। उसके बाद में देखिए इन कैपेसिटर्स को चेक कर लीजिए, कभी कभी इनके अंदर भी फॉल्ट आ जाए तो आपका इन्वर्टर काम नहीं करेगा। इन सभी को कैसे टेस्ट करना है इसके बारे में हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, हर सेक्शन के ऊपर हम लोग अलग अलग वीडियो बनाएंगे ताकि आपको डीपली समझ में आ सके। कभी कभी आपका इन्वर्टर मेंस को डिटेक्ट नहीं करता है, तो मेंस को डिटेक्ट कराने के लिए यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर दिया गया है जो कि 220 वोल्ट को कम कर देता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ऑप्टो कपलर है, इसको भी आप लोग चेक कीजिएगा।
इसके अंदर भी फॉल्ट आ सकता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस और भी आते रहेंगे और हर सेक्शन के ऊपर हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे ताकि कोई भी फॉल्ट आए तो आप लोग इसको इजीली ठीक कर सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।